वेलकम कलरफुल थ्रेड्स सो फ्रेंड्स ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी बुलेरो जैकेट बनाने के लिए सो so, इस बार मैंने एक बुलेरो जैकेट बनाई है बहुत ही खूबसूरत बन के भी रेडी हुई है और ये जो जैकेट बनी है ये फोर टू तो फाइव ईयर बेबी के लिए बनी है छोटा या बड़ा आपको कैसे बनाना है ये मैंने आगे बताया है ये है इसका बैक साइड और बैक साइड से भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है इसका कॉलर जो आया है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बन के रेडी हुआ है मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा और अगर आप को इसका बड़ा साइज़ भी चाहिए मीन्स मैं आप चाहते हैं कि मैं इसे बड़े साइज़ में बना के रेडी करूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मैं इसी सेम पैटर्न में एक बड़ा साइज़ में बना के ज़रूर अपलोड करूँगी तो आज का वीडियो जो होगा वो इसी पैटर्न पे होगा और इसे पूरा बनाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 140 ग्राम ऊन लगी है बनाया है मैंने इसे 3.5 पॉइंट mm फाइव की क्रोशा हुक से मीन्स एट नंबर की क्रोशा हुक ये दोनों साइड इसका आम होल है जो बिल्कुल भी परफेक्ट बन के रेडी हुआ है और जो डिज़ाइन मैंने यूज़ की है बहुत ही ज़्यादा सिंपल यूज़ की है क्योंकि रिक्वेस्ट यही थी कि मैम सिंपल पैटर्न पे बनाइए इस तरह से इसे देखिए फोल्ड किया जाता है और ऊपर से इसका ये कॉलर बन के रेडी हो जाता है इतना इजी पैटर्न है कि अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे आसानी से बना लेंगे और ये पहनने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है आप चाहे इसे जीन्स पे कैरी कीजिए या फिर सूट पे साड़ी पे किसी पे भी कैरी कीजिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फंकी लुक देने वाला ये पैटर्न है तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी आगे वाली रिक्वेस्ट क्या है और आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी इसमें थ्री प्लाई की वूल ये आप देख सकते हैं थ्री प्लाई की वूल है प्लस मैंने इसमें यूज़ किया है थ्री पॉइंट फाइव एम एम का क्रोशिया हुक आठ नंबर का क्रोशिया हुक अगर आप लगाएंगे तो सेम साइज बन के रेडी होगा अगर एक साइज बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप सात नंबर के क्रोशिया हुक से बना सकते हैं छोटा बनाना है तो नौ नंबर के क्रोशिया हुक से बना लें तो अब सबसे पहले इसमें टोटल चेन बना के रेडी करेंगे और चेन जो, जो बनानी है आपको पीछे के बैक के हिसाब से बनानी है आ, किसी भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी ड्रेस का या तो फिर आप पीछे के बैक साइड का मेजरमेंट ले लें जितना भी आ रहा है उतनी बड़ी आप इसमें चेन बना लें तो मैं इसमें टोटल फोर्टी टू चेन्स बना के रेडी करूंगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो इस तरह से टोटल बयालीस चेन बना के रेडी करेंगे और बना के फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बड़ी ये चेन बन के रेडी हुई तो ये देखिए मेरी जो चेन है ये लगभग सात इंच बन के रेडी हुई है तो मैं इसमें कुछ चेन्स और बढ़ाऊंगी बयालीस मैंने इसमें बनाई है चार से पांच चेन और बढ़ाऊंगी और इसे आठ इंच बना के रेडी करूँगी एक चीज का ध्यान रखिएगा चेन जो आपको बनानी है वो थ्री के मल्टीपल में ही बनानी है इसमें तीन तीन के मल्टीपल में इसमें चेन बना के रेडी करें तो अब ये चेन मेरी टोटल आठ इंच बन के रेडी हो चुकी है एक दो तीन स्टार्टिंग के तीन चेन को स्किप करेंगे और उसके बाद वाली जो चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन एक चेन को स्किप करेंगे नेक्स्ट वन वाली में एक डबल क्रोशिया और उसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया फिर से एक चेन स्किप करेंगे एक डबल क्रोशा एक चेन को स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में एक डबल क्रोशा बनाएंगे जस्ट उसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशा बना लेंगे तो एक एक स्किप करते हुए आपको सब में ऐसे ही बना के रेडी करना है ये देखिए इस तरह का बनके रेडी होगा फिर से बीच में एक चेन बनाएंगे नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में एक डबल क्रोशा और जस्ट उसके बगल में एक डबल क्रोशिया तो दो डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर दो डबल क्रोशिया फिर एक चेन बनानी है और जब आप एक चेन ऊपर बनाएंगे तो नीचे की भी एक चेन को स्किप करेंगे सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड इस तरह से बन के रेडी हो चुका है और टोटल इसमें सत्रह सेट बन के रेडी हुए हैं मेरे और अब इसमें क्या करना है एक दो दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और इस दो चेन को काउंट नहीं करेंगे जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशा है इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे तो ये जो दो चेन है इसे हमें काउंट नहीं करना है और जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से एक चेन दो डबल क्रोशिया बनी है तो दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया एक और दो फिर से एक चेन दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया तो सेम आपको इसी तरह के से इसमें वर्क करना है जैसे डबल क्रोशिया बनी हुई है जस्ट उसी के ऊपर डबल क्रोशिया बना के आपको रेडी करनी है और बीच में जहाँ एक चेन का स्पेस है वहां एक चेन का स्पेस देना है फिर से देखिए डबल क्रोशिया है एक इसके ऊपर बनाएंगे एक इसकी बगल वाली पे बनाएंगे और फिर से एक चेन का स्पेस बना लेंगे तो ये इस तरह का पैटर्न बन के रेडी होता है सेम आपको पूरा ऐसे ही करना है ये रो पूरी करनी है फिर से जैसे मैंने यहां स्टार्टिंग बताई है दूसरे रो की स्टार्टिंग करनी है मीन्स थर्ड रो की उसके बाद फिर चौथी रो तो टोटल इसमें बारह से चौदह रो बना के रेडी करनी है मैं इसमें 12 से 14 रोज जितने भी बनाऊंगी मैं अभी आपको बता दूंगी तो कुछ रोज़ बना के रेडी कर लेती हूँ फिर उसके आगे का बताती हूँ सिंपल है कुछ भी नहीं करना है सिर्फ डबल क्रोशर के ऊपर डबल क्रोशर बनाते जाना है और जहाँ चेन बनी है वहाँ चेन, चेन पैटर्न को रिपीट करते हुए मैंने इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टोटल पंद्रह इसमें रोज मैंने बना के रेडी करी है और अब आपको इसमें क्या करना है चालीस चेन बनानी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इक्तीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैतीस अड़तीस उनतालीस चालीस चालीस चेन बना के यहाँ पे आपको इस तरह से रख के देख लेना है और इसकी आपको यहाँ पे लंबाई देख लेनी है कि कितनी है चालीस चेन में ये देखिएगा ये पूरा इसकी लंबाई के बराबर हो चुका है आ, बट हमें इससे थोड़ा सा ढीला रखना है तो हम इसमें पंद्रह चेन और बना के रेडी करेंगे एक दो तीन चार पच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और अब देखिए बुलारू जैकेट में जिस तरीके का यहाँ पे डीपनेस चाहिए उतना इसमें बन के रेडी हो चुका है तो ये मेरी टोटल फिफ्टी फाइव चेन्स इसमें बन के रेडी हुई हैं और अब इन फिफ्टी फाइव चेन्स को ये जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है तो जिसके ऊपर डबल क्रोशा बनी है जस्ट उसी के ऊपर बनानी है उसके बाद में एक डबल क्रोशा है तो इसमें भी एक डबल क्रोशा बना लेंगे एक चेन का स्पेस दे देंगे एक डबल फिर से एक डबल क्रौा तो दो डबल क्रोशा जैसे बनी है सेम वैसे ही बनाना है अभी तक इधर से बना रहे थे बट इस टाइम हमें यहाँ से बनाना है फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में दोनों में एक एक डबल क्रॉश है तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ पे एंड पे आएंगे ये देखिए एंड तक सेम वैसे ही मैंने बना के रेडी कर लिया है एक साइड हमने यहाँ पे फिफ्टी फाइव फाइव चेन बनाई है टोटल तो इस साइड भी हमें फिफ्टी फाइव ही चेन बनानी है तो एक दो तीन चार पाँच छः इस तरह से करते हुए टोटल फिफ्टी फाइव चेन बनाएंगे और यहाँ पे इसे ऐड करेंगे तो पहले 55 चेन बना लेते हैं इसमें तो यहाँ पे 55 चेन बना के हमने रेडी कर ली है और अब इन 55 चेन को हमें जो हमारी सबसे ऊपर वाली डबल क्रोशिया है इसमें ऐड कर देना है स्लिप स्टिच से तो ये देखिए ये दोनों तरफ का आम होल पैटर्न बन के रेडी हो चुका है अगेन यहीं से वर्क को स्टार्ट करेंगे एक रो और बनाएंगे सेम ऐसे ही एक दो तीन तीन चेन पहली डबल क्रोशिया हो गई और उसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे या तो आप दो चेन बना लें और दो चेन बना के इसे काउंट नहीं करते हैं जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही करते हैं दो चेन बना के इसे काउंट नहीं करेंगे जो पहली डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है जस्ट इसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे एक चेन नेक्स्ट दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और दो फिर से एक चेन और दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ पे एंड पे आएंगे पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया और अब हमें बनाना है इन चेन्स में तो दोनों साइड की चेन्स में ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बता रही हूँ तो अब यहाँ पे देखिएगा सेम वैसे ही एक चेन बनाएंगे एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वन वाली में एक डबल क्रोशिया उसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया, ओके फिर से एक चेन एक चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट दो में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और उसके बाद दो फिर से एक चेन एक स्किप करेंगे एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया उसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया तो सेम ऐसे ही इधर भी ये ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं। बनाना सेम वैसे ही है एक चेन बनाएंगे नीचे से एक चेन को स्किप करेंगे और फिर लगातार दो में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे पूरी चेन में ऐसे ही बनाएंगे फिर नीचे साइड जैसा बना हुआ है डबल क्रॉशर के ऊपर डबल क्रॉशा चेन के ऊपर चेन इस साइड भी बना के रेडी करेंगे और इस वाली चेन में भी वैसे ही ब्लॉक्स बना के रेडी करेंगे जैसा इधर बना रहे हैं तो पूरे में ऐसे ही बनाएंगे इस साइड नीचे और चेन में तीनों साइड ऐसे ही बना के रेडी करेंगे और एंड पर आ जाएंगे जहाँ से हमने पूरा राउंड बन के रेडी हो चुका है और अब नेक्स्ट राउंड के लिए पूरा राउंड ओवर होने पे जहाँ से आपने स्टार्टिंग की है वहाँ पे इसे ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से एक दो दो चेन बना के अगेन सेम उसी जगह से जो पहली डबल क्रोशिया है वहां पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन नेक्स्ट वन वाली में भी एक डबल क्रोशिया, तो अब हर डबल क्रोशिया के बीच में आपको एक चेन का स्पेस देना है फिर से एक चेन यहाँ डबल क्रोशिया है डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया, अगेन एक चेन जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से एक चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह का पैटर्न बनके इसमें रेडी होगा सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरे राउंड में पूरा इधर भी करेंगे यहाँ भी पूरे में ऐसे ही करेंगे नीचे के साइड भी ऐसे ही करेंगे और इस साइड भी तो पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करके फिर से जहाँ से स्टार्ट किया है वहां पर आ जाएंगे एंड में of, पहली वाली डबल क्रोशिया से करेंगे और नेक्स्ट राउंड यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से दो चेन बनाएंगे एक डबल क्रोशिया अब यहां पे दो चेन का स्पेस देंगे एक और दो नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से दो चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया दो चेन नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया दो चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया तो जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में दो चेन का स्पेस देना है पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है यहाँ से पूरा स्टार्ट किया है वहाँ से कंटिन्यू करते हुए बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे यहाँ तक ऐसे ही बना के रख तो राउंड पूरा ओवर हो चुका है और अब राउंड के एंड में अब वह को ऐड करेंगे और ये जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना के आ जाएंगे एक दो तीन चार चार चेन बनानी है तीन चेन एज अ डबल क्रोशिया एक चेन एज अ इस स्पेस इसी स्पेस इस से फिर से डालना है और एक डबल क्रोशा बना लेनी है तो इस तरह का एक वी बनके रेडी होगा एक और दो दो चेन बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक को स्किप करेंगे और उसके बा, बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें एक वी बनाएंगे एक डबल क्रोशा एक चेन सेम इसी जगह से डालेंगे एक डबल क्रोशिया के, फिर से दो चेन अगेन नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दो चेन बाद वाला ब्लॉक हर एक ब्लॉक के बाद हमें ट्रायंगल को बनाना है तो यहां पे बनाया है इसे स्किप करेंगे इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया एक चेन और एक डबल क्रोशिया सेम स्पेस से ही बना लेंगे सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस राउंड को ओवर करेंगे तो ये देखिए ये है आपका पैटर्न पैटर्न कुछ इस तरीके से बन के रेडी होगा पूरे को बनाएंगे और ऐसे ही राउंड बना के ऐसे राउंड ओवर हो चुका है और राउंड ओवर करके थर्ड नंबर चेन में चार चेन बनाई थी तो तीसरी वाली चेन में वर्क को ऐड कर देना है अगेन ये जो एक चेन का बीच में स्पेस दिख रहा है यहाँ पर आएंगे एक चेन बना के एक दो तीन तीन चेन ये पहली डबल क्रोशिया हो गई सेम इसी जगह से डालेंगे दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी तो टोटल तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी करना है फिर से दो चेन नेक्स्ट वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है तीन डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे एक दो और तीन फिर से दो चेन नेक्स्ट ट्राइंगल में तीन डबल क्रोशिया तो जितने भी ट्रायंगल बने हुए हैं उन सब में तीन तीन डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में दो चेन का स्पेस देना है एक दो और तीन इस तरह से बनाएंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर तीन डबल क्रोशिया के साथ भी पूरा राउंड ओवर हो चुका है वर्क को हमने ऐड कर दिया है थर्ड नंबर चेन में ऐड करना है और ऐड करने के बाद अगेन ये देखिएगा जो बीच वाले डबल क्रोशिया है सेकेंड नंबर की डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच बना के आना है ओके okay, और अब यहीं पे वर्क करना है फिर से तीन चेन और तीन चेन बना के दो डबल क्रोशिया एक और दो जो बीच वाली डबल क्रोशिया है उससे ही आपको बनाना है अगेन तीन डबल क्रोशिया ही बनानी है फिर से दो चेन का स्पेस देना है जो थर्ड तीन डबल क्रोशिया का पैटर्न है उसमें जो बीच वाली मीन सेकंड नंबर डबल क्रोशिया है उसमें डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे तो जैसे आपने पिछला राउंड बनाया था सेम वैसे ही बनाना है बस पिछले वाले राउंड में आपने ट्रायंगल के बीच में तीन डबल क्रोशिया बनाई थी और इस राउंड में जो बीच वाली डबल क्रोशिया है उसमें बनाना है फिर से दो चेन और बीच वाली डबल क्रोशिया में तीन डबल क्रोशिया एक दो और तीन तो ये देखिए इस तरह से बन के रेडी होगा तो ये जो हम राउंड बना रहे हैं तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया का इस राउंड को पूरा ओवर करेंगे वर्क को ऐड करेंगे और सेम ऐसा ही एक और राउंड बना के रेडी करेंगे तो तीन डबल क्रोशिया से हमें तीन राउंड बनाने हैं एक हम बना चुके हैं दूसरा बना रहे हैं तीसरा जस्ट इसके बाद बनाना है सेम ऐसे ही बनाना है बीच में दो चेन का स्पेस देना है और जो बीच वाले आपकी डबल क्रोशिया होगी सेकेंड नंबर वाली उसमें आपको तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है जैसे आप इस राउंड में बना रहे हैं तो मैं दो राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इस राउंड को और इसके बाद एक और राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको इसमें आगे क्या करना है और आप देख सकते हैं ये आपका लुक हल्का हल्का आने लगा है इस तरह का पैटर्न इसमें बन के रेडी होगा तो मैं बना लेती हूँ फिर आपने बताया सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी किया है तीन रोज मैंने बताई थी तीन तीन डबल क्रोशा के तो पूरे तीन राउंड मैंने इसमें तीन डबल क्रोशा से बना के रेडी कर लिए हैं और अब देखिएगा इसमें क्या करना है अगेन एक स्लिप स्टिच बना के बीच वाली डबल क्रोशिया पे आएंगे एक दो तीन तीन चेन ये पहली डबल क्रोशिया हो गई सेम इसी जगह से डालेंगे दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से इसी स्पेस से डालना है तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे अगेन सेम स्पेस से डालना है चौथी डबल क्रोशिया फिर से सेम स्पेस से पांचवी डबल क्रोशिया तो टोटल पांच डबल क्रोशिया हमने बीच वाली डबल क्रोशिया से बना के रेडी की है अभी तक तीन बनाई थी इस बार पांच बनाई है बीच में एक चेन का स्पेस देंगे नेक्स्ट वाला जो राउंड है नेक्स्ट वाला पैटर्न है उसमें पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे तो जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं तीन तीन डबल क्रोशिया के उसमें आपको पांच डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है और इस तरह से आपको टोटल आ, तीन राउंड इसमें भी बना के रेडी करने हैं सेम ही तरीके से बना के रेडी करेंगे पांच डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन का स्पेस देंगे पांच डबल क्रोशिया हो गई एक चेन बना लेंगे तो ये देखिए इस तरह से पैटर्न बन के रेडी होगा पहले तीन डबल क्रोशिया बन रही थी अब पांचवी डबल क्रोश, पांच डबल क्रोशिया बनेगी पूरे में ऐसे ही बना के ओवर करेंगे वर्क को ऐड करेंगे और उसके बाद जो बीच वाले डबल क्रोशिया है अब इस जब इसके बाद वाले आप नेक्स्ट पैटर्न में जाएंगे तो बीच वाले डबल क्रोशिया जो होगी वो आपकी थर्ड वाली होगी तो इधर से दो स्किप कर देंगे इन दोनों में आपको स्लिप स्टिच बनानी होगी और जो सबसे बीच वाली यानी थर्ड नंबर डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहां पे पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बाद वाले राउंड में तो पांच पांच डबल क्रोशिया के आपको तीन राउंड बना के रेडी करने हैं ये पहला राउंड है इसके बाद दूसरा राउंड बनाएंगे और उसके बाद फिर तीसरा राउंड बनाएंगे बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद जब आप दूसरा राउंड बनाएंगे तो पांचों डबल क्रोशिया आपको तीसरी डबल क्रोशिया के बीच से बनानी होगी जो आपकी सबसे बीच वाली डबल क्रोशिया है तो तीन राउंड ऐसे ही बना के रेडी करेंगे पांच डबल क्रोशिया बीच में एक चेन का स्पेस फिर से पांच डबल क्रोशिया और एक चेन का स्पेस आ, सेम पैटर्न को बनाते हुए पूरे राउंड को ओवर करेंगे प्लस दो और राउंड मैंने पूरा इसमें सेम वैसे ही कंटिन्यू करते हुए एक दो तीन पांच डबल क्रोशिया से तीन रो बना के रेडी कर ली है और अब इसमें इसका लास्ट राउंड बना के रेडी करेंगे लास्ट राउंड के लिए क्या करना है यहाँ पे देखिएगा जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है ये फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया है तो इसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे ये सेकंड वन है दूसरी वाली में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे तीसरी वाली है इसमें भी एक सिंगल क्रशिया बनाएंगे और अब यहाँ पे एक दो तीन तीन चेन बना के इसी से डालेंगे और एक स्ल से इसे ऐड कर देंगे यहाँ पे एक पाइकउट बना के रेडी करेंगे इधर की दोनों में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक और दो दो सिंगल क्रोशिया बना के अब यहाँ पे एक चेन का हमने बीच में स्पेस दिया था तो यहाँ पे आना है सिंगल क्रोशिया बना के और यहाँ पे एक पाइक तीन चेन का बना के रेडी करना है तीन चेन सेम इसी स्पेस से डालना है और एक पाइकउट यहाँ पे बना लेना है फिर से नेक्स्ट जो दो डबल क्रोशिया है फर्स्ट वन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया दूसरी में एक सिंगल क्रोशिया थर्ड वन में अगेन सिंगल क्रोशिया बना के एक पाइकॉट फिर से इधर की दोनों में एक एक सिंगल क्रोशिया एक और दो और उसके बाद वाली जो एक चेन है उस चेन में डाल के पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक पाईकॉर्ड बना लेंगे ओके अगेन नेक्स्ट पैटर्न है तो उसके दोनों में एक एक पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो थर्ड वाली है बीच वाली उसमें सिंगल क्रोशिया बना के तीन चेन का पाकॉर्ट बनाएंगे सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड uh, को हमें ऐसे ही ओवर करना है ओके okay, इसे ऐसे ही बनाएंगे और पूरा ओवर करेंगे राउंड ओवर होने के बाद अब ये हमारा जो आम होल बना हुआ है इस हाम, आम होल पे वर्क करना है तो आम होल पे वर्क करने के लिए देखिएगा क्या करेंगे किसी भी एक डबल क्रोशिया पे यहाँ पे जो देखिएगा ज्वाइनिंग पॉइंट है यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे और इसमें भी अब हमें सिंगल क्रोशिया ही बना के रेडी करनी है तो जहाँ पे धागे को ऐड किया है उस स्पेस पे डालना है इस जगह पे पहले एक चेन बना लेंगे और अब ये देखिएगा डबल क्रौा है तो इसमें एक सिंगल क्रोशा सेम उसी डबल क्रशा में डालेंगे एक और सिंगल क्रोशा तो दो सिंगल क्रौशा बनानी है फिर यहां पे ज्वाइनिंग पॉइंट है तो इसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रौा यहां बनाएंगे अगेन डबल क्रशा है तो इसमें दो सिंगल क्रशा बनाएंगे एक और दो फिर से ज्वाइनिंग पॉइंट में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और डबल क्रौा वाले सेक्शन में दो सिंगल क्रशा यहां ज्वाइनिंग पॉइंट है यहाँ एक सिंगल क्रोशा और ये डबल डबल क्रोशिया क्रोशिया वाला है तो में दो सिंगल क्रोशिया ये देखिए ये इस तरह का बन के रेडी होगा सेम पैटर्न को ही आपको रिपीट करते हुए ये पूरा राउंड ऐसे ही ओवर करना है और वर्क को ऐड कर देना है और सेम ऐसे ही आपको दूसरे आम होल में भी करना है तो ये एक फिनिशिंग टच uh, है जिससे कि अन ईवेंट ना लगे पूरे में सिंगल क्रोशिया आपको बनानी है पूरा आर्म होल का जो राउंड है उस आ राउंड में पूरे में ऐसे ही करना है दोनों में तो मैं इसे पूरा रेडी कर लेती हूँ फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरा बन के रेडी है और आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का पैटर्न ये बन के रेडी हुआ है तो मैं इसे आपको अभी फोल्ड करके भी दिखाती हूँ कि ये पूरा इसका जो पैटर्न है ये किस तरीके का लुक दे रहा है ऐसे इसे फोल्ड करना है और ये लुक इसका बन के पूरा रेडी होता है तो आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय